व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ज्योति सेठी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑलराइट, सो अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा भी जानते हो तो आप लोगों को पता होगा कि मुझे फ्री रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पसंद है कि मैं कुछ ना कुछ हर वक्त ना बस करती रहूं। तो आज एक्चुअली मेरे पास कुछ खास था नहीं करने को और मैं व्लॉग करने के मूड में नहीं थी, तो कुछ एक दो चीजें मेरी नजर में घर में पड़ी हुई ऐसी ही मेरे सामने आई जो मुझे लगा कि ये फेंक देनी चाहिए। लेकिन फिर मुझे लगा कि इनको फेंकने की बजाय मुझे इनके साथ कुछ DIY कर लेना चाहिए। और फिर जब वो थॉट आया तो मुझे लगा एक वीडियो भी शूट कर लेनी चाहिए। नाउ दिस वीडियो इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ teaching you a DIY like how to do it. It is actually to inspire you guys to use your time and use the things which are lying waste in your house in a better way. और साथ ही साथ इससे आपके पास, क्योंकि अगर बहुत सारा टाइम है लॉकडाउन की वजह से, तो आप अपने टाइम बहुत क्रिएटिवली यूज भी कर सकते हो। तो या तीन प्रोडक्ट्स के साथ हम तीन DIYs करने वाले हैं इस वीडियो में, और मैं इस प्रोसेस में आपको लेके चलूंगी अपने साथ। एंड हो सकता है आप लोगों में से भी कोई इंस्पायर हो जाए अपने घर में पड़ी हुई वेस्ट चीज के साथ कुछ DIY करने का और उसको एक बेटर यूज में लाने का। सो या लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो एंड स्टार्ट शोइंग यू माय DIY। सो पहले DIY के लिए जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ वो है मेरे घर में ये वेस्ट पड़ा हुआ चॉपिंग बोर्ड। ये वेस्ट इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हो ये काला पड़ चुका है बिल्कुल, और इसको अब मैं सब्जियाँ काटने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। तो इसको हम करेंगे पहले DIY के लिए यूज़, जिसको मैं पेंट कर रही हूँ इस वाइट कलर के पेंट से। अगर आप मेरे हमेशा से मेकओवर्स देखते आए हैं तो आपको पता होगा मेरे पास तीन कलर के पेंट्स हमेशा हैं जिनको मैं अक्सर अपने DIYs में और मेकओवर्स में यूज़ करती रहती हूँ। सो पहले वाइट वाला पेंट लेके मैं इसको चारों तरफ से पेंट करूँगी, और जब पहला कोट बहुत अच्छे से सूख जाएगा उसके बाद मैं इस पर सेकेंड कोट करूँगी। और उसके बाद जब दूसरा कोट भी सूख गया तो मैंने पेंसिल की मदद से पहले एक पिंटरेस्ट से इंस्पायर होके मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। मैं सीधा पेंट से करने की सोच रही थी, बट फिर मुझे लगा कोई गलती ना हो जाए तो पहले मैं पेंसिल से ड्रॉ कर लेती हूँ। सो इस तरीके से यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा क्यूट सा एक डिज़ाइन ड्रॉ किया है पेंसिल से। और उसके बाद जो आपको पता है मेरे पास दो और पेंट्स हमेशा से रखे रहते हैं मेरे घर में, बहुत ही थोड़े थोड़े से पड़े हैं, तो उसे भी मैं यूज़ कर रही हूँ इस DIY में। और इस तरीके से यहाँ पे जो मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया था अब मैं इसको पेंट कर रही हूँ। नेक्स्ट इस पर मैं ब्लैक कलर का पेंट यूज़ कर रही हूँ, जो अगर आपने मेरा एंट्रेंस का मेकओवर देखा है तो मैंने शीशे पे पेंट किया था। ये एक ऑयल बेस्ड पेंट है तो ब्लैक कलर में मेरे पास पड़ा था, तो मैं उससे आईज़ वगैरह यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। नाउ अगर आपके पास ब्लैक पेंट नहीं है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ब्लैक पेंट आसानी से घरों में नहीं होता है, तो आप इसकी जगह पर कोई नेल पेंट भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास कोई डार्क कलर की नेल पेंट है तो उससे भी आईज़ वगैरह आप ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं जिस भी कलर से मैंने बेसिकली इनके कान बनाए हैं उससे ऑपोजिट कलर से मैं यहाँ पे डॉट्स लगा रही हूँ, सो दैट थोड़ा सा एक पैटर्न दिखे। थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद अच्छा लगेगा, तो जब ग्रे से किया तो ये पिंक टाइप का जो कलर है, पीच टाइप का, उससे डॉट्स लगाई हैं, और पीच के ऊपर मैंने ग्रे से डॉट्स लगाई हैं। एंड ऑब्वियसली आप अपनी क्रिएटिविटी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी आप ड्रॉ करना चाहो आप वो ड्रॉ कर सकते हो। द होल आइडिया इज़ टू जस्ट मेक यू नो वेस्ट प्रोडक्ट इनटू अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। नेक्स्ट DIY के लिए चाहिए मुझे ये एक पिन जो बालों में लगाने वाली होती है, और थोड़े से बीड्स। अगर आपको याद होगा मैंने एक बार डायमंड पेंटिंग बनाई थी उसके साथ ये बीड्स आए थे, और अब बाकी के बीड्स वेस्ट पड़े थे। स्टोन्स शायद कहते हैं इसको, और फेविकोल।
अब मैंने ये पिन लिया है और उस पर जो भी मेरे पास ब्रश अवेलेबल था उससे थोड़ी थोड़ी सी मैंने फेविकोल लगाई, और एक मेरे पास ये टूल था जिससे ये बीड्स उठाने का, अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई प्लकर जैसी चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हो। और थोड़ी थोड़ी जगह पे इस तरीके से मैं फेविकॉल लगा लगा के और दो दो तीन तीन ऐसे बीड्स जो स्टोन्स हैं ये वो मैं लगा रही हूँ यहाँ पे। और इस तरीके से ये जो मेरी पिन है इसको मैं एक नॉर्मल बेसिक बोरिंग पिन से मैं इसको एक कलरफुल पिन बना रही हूँ। और या यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ पिन, जो टिक टिक वाली पिन आती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्या बोलते हैं उसे, आई डोंट नो टिक टिक वाली बोलते हैं नहीं, बट आई नो यू गॉट इट। तो आप कोई भी पिन एक्चुअली यूज़ कर सकते हो, और इस तरीके की कलरफुल पिन जो है वो बालों में लगी हुई बहुत अच्छी लगेगी इंस्टेड ऑफ अ नॉर्मल बोरिंग पिन। आजकल बहुत सारे बड़े जो ब्रांड्स होते हैं ना, वहाँ पे आप देखोगे इस तरीके की ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो थोड़ी सी डेकोरेट करके आपको इतने ज़्यादा प्राइस में मिलती हैं। लाइक मैंने खुद भी ख़रीदी हुई हैं ऐसी पिन्स कुछ टाइम पहले, और मुझे ऐसी एक पिन तकरीबन 99 रुपीज़, 150 रुपीज़ का एक पत्ता इस तरीके से मिलती थी, जो मैं घर में बैठ के आराम से बहुत ही कम टाइम में बना सकती हूँ। बाय द वे, जब मैं ये पिंस बना रही थी तो मुझे एक और आइडिया आया, तो मैंने इस तरीके से एक अपनी ईयरिंग जो मैं बहुत पहन चुकी हूँ वो ऑलमोस्ट काली पड़ चुकी थी, तो मैंने इसको भी इस तरीके से डेकोरेट किया। सो यू कैन बेसिकली डेकोरेट एनीथिंग। सो अपने नेक्स्ट DIY के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, सबसे पहले ये बोल लिया है उसके अंदर पानी है, और फिर कुछ ऐसी नेल पेंट्स ली हैं जो मुझे कुछ खास कह सकते हैं पसंद नहीं है या मैं लगा लगा के बोर हो चुकी हूँ। और फिर मैंने ये लिया है मग, ये मग मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसके साथ का पूरा सेट टूट चुका है, ये लास्ट बचा था। और ये कुछ ईयरबड्स लिए हैं मैंने जो आप देखोगे किस काम आएंगे। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज़ ये जो मैं नेल पेंट्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा पानी के ऊपर डाल रही हूँ, तो पानी के ऊपर जब हम इसको डालते हैं नेल पेंट को, तो मोस्टली जो सारा कलर होता है जो नेल पेंट होता है वो पानी के ऊपर तैरता है, मतलब ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, थोड़ा ऊपर तैरता है। और अब उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मग जो मैंने लिया था उसको मैं इस तरीके से अंदर डुबो रही हूँ, और जो सारा नेल पेंट होगा वो बेसिकली मेरे कप पे आ जाएगा। ये बहुत ट्रेंडिंग DIY है, लाइफ में कभी नहीं किया था, सोचा कर लेती हूँ। एंड या इस तरीके से कोई भी एक ऐसा जो मग जो आप यूज़ नहीं करते हो इसको आप एक डिकोर आइटम में बेसिकली कन्वर्ट कर सकते हो। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मैं इस कप को तकरीबन 3-4 घंटों के लिए सूखने के लिए रख दूंगी, एंड या इट्स रेडी। The video. I hope you guys like the DIYs, and I really hope that you guys are inspired to do something creative. And yeah, I'm gonna see you guys in my next video. Till then, bye bye, take care.